बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर अभद्र बयान के 9 दिन बाद दयाशंकर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन दयाशंकर सिंह के परिवार पर आपत्तिजनक बयान देने वाले नसीमुद्दीन सिद्दीकी पर 14 दिन बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई करने को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस का तरीका। दयाशंकर सिंह की पत्नी स्वाति सिंह का कहना है कि मामले में बीएसपी मुखिया मायावती का दबाव है। जिस सीडी को मैंने प्रोवाइड किया है वहाँ पर नसीमुद्दीन सिद्दीकी बोल रहे हैं और वहाँ पर डीएम सर भी वहाँ पर खड़े हैं, तो मैंने तो उनको आज बोला कि आप उनसे भी गवाही ले लीजिए, उस सीडी में वो भी वहाँ पर हैं, मौजूद हैं, तो डिनाई करने वाली बात ही नहीं है। पर ये लोग क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं ये बात मैं भी समझ नहीं पा रही हूँ। कुछ ना कुछ प्रेशर तो है मायावती जी का और ये बीएसपी वाले सब कर रहे हैं। दयाशंकर सिंह पर तो उनकी पार्टी ने कड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें बयान आने के दिन ही पार्टी से बाहर निकाल दिया, लेकिन नसीमुद्दीन सिद्दीकी पर ना तो उनकी पार्टी ने कार्रवाई की और ना ही यूपी पुलिस कर रही है। जबकि दयाशंकर के परिवार पर नसीमुद्दीन की बदजुबानी का रंग सभी के सामने है। दयाशंकर सिंह की पत्नी का कहना है कि मामले में वो अपनी बात डीजीपी के सामने रखना चाहती हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें वक्त नहीं दिया जा रहा। इतना ही नहीं, मामले की जांच के अधिकारी भी नसीमुद्दीन सिद्दीकी मामले पर बात करने से कन्नी काट रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि मुझे जो आईयू ने जो बात बोली कि मेरे पास और भी बहुत काम है, अभी मैं उसमें बिजी हूँ, तो जैसे मुझे टाइम मिलेगा तो उस हिसाब से मैं सीडी देख करके फिर हम कार्यवाही होगी। सवाल अब ये उठ रहे हैं कि कहीं चुनावी मौसम में नसीमुद्दीन सिद्दीकी को गिरफ्तार करने को लेकर सियासी फायदे नुकसान को आंकने में वक्त तो नहीं बीत रहा। अभिषेक पांडे, APN, लखनऊ।